नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे दोस्तों पिछले चार प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं उम्मीद है आपने ज़रूर देखे होंगे यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए अगर आप उत्तराखंड एल की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी के क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही होते हैं तो आप किसी भी स्टेट से या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट सबसे पहला हमारा प्रश्न है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने 50 प्रश्न लिए हैं इसमें और इन 50 प्रश्नों में मैंने कोशिश की है कि आपके सिलेबस से लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन रहें लेकिन फिर भी कोई छूट गया हो तो अगले सेशन में हम उसे भी ज़रूर रखेंगे तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़े काफ़ी अच्छा लगा इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और चलिए आज का वीडियो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के सेशन में आपके पचास में से कितने नंबर आ रहे हैं अपने आंसर्स लगाते रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन हमारा क्वेश्चन है हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है तो ऑप्शन है आपके तीन अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन या अनुच्छेद तीन तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर लगा सकते हैं तो इसमें सीधा सा आपको आंसर पर लिए चलती हूँ तीन सौ इक्यावन अनुच्छेद जो है उसमें हिंदी पर जो सांस्कृतिक संस्कृति की हिंदी मतलब सामाजिक संस्कृति का जो वहन का दायित्व तो है वो तीन में निर्धारित है इसके पश्चात नंबर टू हमारा क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर लॉ किस प्रकार की ध्वनि है पार्श्विक ओष्ठ प्रकंपित या संघर्षहीन तो यहाँ पे लॉ जो है वो पार्श्विक ध्वनि है पार्श्विक मतलब जो मुख के पिछले भाग से या जीभ के पिछले भाग से जिसका उच्चारण हो लॉ तो उसे हम कहते हैं पार्श्विक ठीक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अगला हमारा प्रश्न है आज का थर्ड क्वेश्चन मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है यह कथन किसका है बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी सी राजगोपालाचार्य या दयानंद सरस्वती तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया है जब हिंदी को संविधान में दर्जा दिलाने की बात चल रही थी या राजभाषा का प्रश्न खड़ा हो उठा था, था तो उस वक्त जो है आ, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी इसके बाद आ, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर चार की रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिछले एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया है तो आपको बताना है अंग्रेजी फ्रेंच पुर्तगाली या जर्मन तो बिल्कुल फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोतार्ज इसके बाद मनोरम पद में कौन सी संधि है नंबर पाँच क्वेश्चन है स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं तो बताइए कौन सी संधि होनी चाहिए तो देखिए मनोहधन तो इसमें जो संधि है वो है माफ़ कीजिएगा इसमें आपकी विसर्ग संधि आ जाएगी मनह धन राम ठीक है तो इस तरह से आप इसका विच्छेद कर सकते हैं अगला है हमारा नंबर सिक्स क्वेश्चन है हथकड़ी में कौन सा समास है अब आपसे समास से भी प्रश्न बनेंगे करण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष तो हथकड़ी में कौन सा समास होना चाहिए बिल्कुल आ, हाथ के लिए कड़ी तो जहाँ पे के लिए आ, जो कारक चिन्ह है वो आता है वो बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष के अंदर आता है ठीक है हाथ के लिए कड़ी तो हथकड़ी में संप्रदान तत्पुरुष हालांकि तत्पुरुष समास है लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है ये आपको पता होना चाहिए ठीक अगला प्रश्न है हमारा रक्तांबुज में कौन सा समास है तत्पुरुष समास बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास माफ कीजिएगा कर्मधारा नहीं है कर्मधारा ही होना चाहिए था तो अव्ययी भाव समास, तो अ, कौन सा है अ, बिल्कुल इसमें होना चाहिए आप अ, अपना आंसर लगाते रहिए रक्तांबुज रक्तांबुज में होगा कर्मधाराई समास ठीक है अब कैसे होगा मैं आपको बताते हूँ देखो रक्त अ, रक्त धन अम्बुज तो माफ कीजिएगा अम्बुज ठीक है तो जो अम्बुज है वो कमल के लिए कहा गया है कमल और रक्त का मतलब लाल तो लाल है जो कमल ठीक है लाल है जो कमल रक्ताम्बुज यानी रक्त कमल जिसे हम कह सकते हैं लाल कमल तो रक्ताम्बुज कहते हैं लाल कमल को तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भाव समाज, मा, समास माफ कीजिएगा कर्मधारय समास Uh, अगला हमारा प्रश्न है अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो uh, उपसर्ग अन उपसर्ग अन या अनो तो देखिए uh, अनुचित शब्द में ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पे सेम आपके ऑप्शन होंगे थोड़ा सा आपको उसमें कंफ्यूजन uh, होगा तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस सेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में बैठने में आ, मतलब जो दबाव होता है उससे काफ़ी जो है आ, कह सकते हैं कि आ, कम महसूस होगा और दबाव तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी तैयारी का तो बिल्कुल इसमें अन उपसर्ग है जिसमें हलंत लगा हुआ है ठीक है देखो अन तो दो है लेकिन कौन सा अन है ये आपको पता होना चाहिए तो अनुचित में अन धन उचित ठीक है तो अन उपसर्ग इसमें लगा हुआ है इसके बाद नंबर नाइन प्रश्न है प्रागैतिहासिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें जो है आ, प्राग उपसर्ग है और देखिए इस शब्द में प्राग उपसर्ग होने के साथ साथ इसमें एक प्रत्यय भी लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है ऑप्शन सी इसके बाद नंबर टेन क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है आ, आ, आपके ऑप्शन है कुपुत्र कुमति कुशल या कुलक्षण तो पुत्र, पुत्र शब्द में को उपसर्ग लगा है कुपुत्र हो गया मती शब्द में को लगा है कुमती हो गया और लक्षण शब्द में को लगा है तो कुलक्षण हो गया कुशल शब्द में यहाँ पे को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ठीक तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला हमारा प्रश्न है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा तो बाबू श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी तो अपना आंसर लगाइए बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें जो केशव दास हैं उन्हें केशव दास क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं और उनको कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है अगला हमारा बारहवा प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं तो देखिए दोस्तों मैंने ठीक इससे मिलता जुलता प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी डाला था प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर फोर में उसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि मैम उसका आंसर आप गलत बता रहे हो जबकि मैं गलत नहीं बता रही थी मैं आपको क्वेश्चन तभी बताती हूँ जब मैं उसको बहुत ऑथेंटिक uh, तरीके से बताती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के ऐसे ही दे देती हूँ तो देखो वहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल देखो श्रृंगार काल अलग है और रीति श्रृंगार काल अलग है दो अलग अलग नाम है रीति श्रृंगार पहले तो ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है श्रृंगार काल तो इसको आप बहुत गांठ बांध लीजिए और लिख लीजिए बल्कि की कॉपी में तो एक तो है रीति श्रृंगार काल और एक केवल श्रृंगार काल तो अगर केवल श्रृंगार काल पूछा जाए तब तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं लेकिन रीति श्रृंगार काल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आ, भगीरथ मिश्र ही करेंगे ठीक है रीति श्रृंगार काल किसने कहा भगीरथ मिश्र ने कहा और रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा उम्मीद है आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा तो जब भी आप इस तरह से कमेंट करते हो तो पहले अपना आ, आंसर चेक किया कीजिए उसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने उसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट किए थे तो उस पर थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है जबकि आप सही हैं उसके बावजूद भी अगर आपको कोई गलत ठहराए तो और उस पर उल्टे सीधे कमेंट करें तो बुरा लगता है तो इसलिए दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं कन्फ्यूजन मत होइए कन्फ्यूज uh, मत होइए अपना जो कन्फ्यूजन है पहले उसे दूर कीजिए उसके बाद ग्रुप में मैसेज कीजिए क्योंकि देखो आपके मैसेज हो सकता है आप ही के जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे होंगे तो ऐसे में उन लोगों को भी कन्फ्यूज़न होगा खैर मुझे तो नहीं होगा और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ लेकिन अन्य लोगों को आप कन्फ्यूज़न ना ही करें तो बेहतर होगा अपना जवाब पहले चेक किया कीजिए उसके बाद ही आप इस तरह से लंबे लंबे कमेंट किया कीजिए ठीक है खैर कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने आपका कमेंट आपका जो डाउट है वो क्लियर किया ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ अगला हमारा बारहवा प्रश्न है तेरहवा प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति की पंक्ति किस यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है किस संत कवि की है तो मलूकदास सुंदरदास रैदास या कबीरदास तो बिल्कुल तेरहवा प्रश्न आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा रैदास जी की ये पंक्ति है बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं तो नंबर ऑप्शन ए है 700, ऑप्शन बी है 701, ऑप्शन सी है 713 या ऑप्शन डी है 715 तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इसमें हो जाएंगे सात इसमें दोहे हैं ठीक इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पंद्रवा हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य ग्रंथ के लेखक हैं ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का तो सच्चिदानंद हीरानंदवासियन अज्ञे और नंदुलारी वाजपेयी रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे जो है इसके राइटर हैं मतलब ये जो ग्रंथ है वो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है ठीक है अगला प्रश्न है प्रेमचंद के के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है गोदान रंगभूमि कर्मभूमि या प्रेमाश्रम तो बिल्कुल सोलह में ए ऑप्शन सही हो जाएगा गोदान को कृषक जीवन का और उपन्यास जो गोदान है ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य से कहा जाता है ठीक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग याद रखें निरालाकृत जूही की कली में किस छंद का प्रयोग हुआ है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है वार्णिक छंद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग को भी ध्यान रखें आ, वार्णिक जब हम टाइपिंग करते हैं तो कई बार हो जाता है एरर आ जाते हैं तो वार्णिक छंद मात्रिक मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त छंद इसमें सही आपका उत्तर हो जाएगा ठीक अगला हमारा अट्ठारहवा प्रश्न है जहाँ कानों को खटकने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा दोष होता है तो जहाँ मतलब तो कोई बात कही जा रही है और कानों को वो चीज़ अच्छी न लगे मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगे तो वहाँ पे हम किस प्रकार का दोष तो काव्य दोष आपने अगर पढ़े हों या सुने हों तो काव्य दोष अनेक प्रकार के काव्य दोष होते हैं तो जहाँ पर जिस प्रकार का दोष हमें दिखता है हम उसे मतलब उस प्रकार के अलग से नाम से जानते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका श्रुति कटुत्व यानी कि सुनने में जो कड़वा लगे ठीक है तो श्रुति कटुत्व उसे कहा जाता है ठीक है तो और जो सुनने में अजीब सा लगे उसे अप्रतीत कहेंगे और अक्रमता यानी कि जहाँ पे जो शब्द होते हैं ना उनको क्रम से न रखा जाए जैसे उल्टा पुल्टा कभी कभार बोल देते हैं ना तो जैसे जहाँ पे शब्दों को उल्टा पुल्टा आगे पीछे करके बोल दे वहाँ अक्रम अक्रमता कहेंगे और जहाँ पे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए किसी बात में तो वहाँ पर हम ग्रामत्व दोष उसे कहते हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं नंबर नाइनटीन हमारा प्रश्न है नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम यहाँ पे मौ होगा दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ शुक्र सुख शुक है शुक्र नहीं शुक मतलब तोता मौन है सोचता है अन्य शुक यह कौन है तो ये पंक्ति है और इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है तो बताइए भ्रांतिमान अलंकार है संदेह अलंकार है उत्प्रेक्षा है या दृष्टांत अलंकार है तो बिल्कुल आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप देख ही पा रहे होंगे भ्रांतिमान इसमें अलंकार हो जाएगा देखो कैसे होगा मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ जो नायिका है उसकी नाक पे एक जो नाक में पहनते हैं नथनी या फुल्ली जिसे हम कहते हैं तो वो उसमें कोई मोती चमक रहा है ठीक है तो नाक का मोती अधर की कांति से अधर मतलब होंठों की कांति से होंठों पे जो लाली लगी हुई है उसकी लालिमा के कारण उसका जो नाक का मोती है वो चमक रहा है बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से दाडिम मतलब अनार तो जो तोता है वो उस नायिका के नाक का जो लाल मोती चमक रहा है उसको वो अनार का दाना समझ रहा है भ्रांति से यानी कि भ्रम उसे हो रहा है देख उसको ही हुआ शुक मौन है और उस लाल मोती जो चमक रहा है उसको दाड़िम का बीज समझ करके वो तोता एकदम मौन हो गया है ध्यान से उसे देख रहा है सोचता है अन्य शुक यह कौन है और उसको वो आ, आ, जो तो, जो उस आ, जो नायिका है उसके नाक का जो आ, मोती चमक रहा है उसको देख करके उसे ऐसा लग रहा है कि कोई तोता जिसकी अब तोते की चोंच तो लाल ही होती है ना तो उसे ये प्रतीत हो रहा है कि ये क्या अनार का दाना है या कोई तोता बैठा हुआ है या मतलब जिसकी चोंच लाल है तो वो मतलब इस तरह से उसे भ्रम हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि ये आखिर है क्या तो जहाँ पर किसी चीज़ की स्थिति प्रकट ना हो ठीक ठीक यानी कि भ्रम वहाँ पर जहाँ पे होता है भ्रांति हो जाती है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों यदि थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं या थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है प्रैक्टिस तो करते तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करते रहिए उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्योंकि मुझे समय कम मिलता है मैं भी अपने स्कूल में बिज़ी रहती हूँ और फिर घर के कामों में भी तमाम चीज़ें करनी होती हैं एक छोटा सा बच्चा है मेरा अभी नौ दस महीने का तो उसको भी मुझे समय देना होता है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करूँ लेकिन हो नहीं पाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ खैर जो आपको मिल रहा है आप उसे ध्यान से पढ़िए ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बीस है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम इतिहास लेखन किया था गार्सदत्ताशी के द्वारा किया गया था फ्रेंच भाषा में इन पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्ले आपको मिल जाएगी प्ले में तो आप ज़रूर देखिएगा अगला हमारा है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे गोरखनाथ चरंगीनाथ गोपीचंद या इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल गोरखनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का सर्व की सर्वप्रथम आत्मकथा अर्धकथानक किस शैली में लिखी गई थी गद्य शैली पद्य शैली चंपू शैली या गीति शैली तो बताइए कौन सी शैली में लिखी गई थी तो आ, बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पद्य शैली में जो हिंदी की पहली कथा जो आत्मकथा है सोलवी शताब्दी सोलहवीं सदी में लिखी गई थी सोलह सौ चालीस ईस्वी में और किसने लिखी थी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे क्योंकि जब मैंने आत्मकथा वाला सेशन पढ़ाया था ना तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि पहली आत्मकथा किसके द्वारा और कब लिखी गई थी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किसके द्वारा और कब लिखी गई थी पहली आत्मकथा शैली में लिखी गई थी और अर्धकथानक उसका नाम था ठीक है अगला प्रश्न है तेईसवा बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है आकाशदीप गैंग्रीन उसने कहा था या कोसी का घटवार तो बताइए किसका है बिल्कुल सही आंसर उसने कहा था यहाँ पे जो बोधा सिंह है जो कि एक फौजी है उसने कहा था कहानी का पात्र है ठीक है अगला है हमारा सूरदास निम्नलिखित में से मैं से, आ, मैं से इससे नहीं यहाँ पे आ, किस होना चाहिए था ठीक है किस उपन्यास का पात्र है मानस का हंस त्यागपत्र खंजन नयन या मेला आंचल तो बिल्कुल जो सूरदास है अमृतलाल नागर के द्वारा उपन्यास आ, मतलब एक उपन्यास लिखा गया है आ, जिसका मुख्य पात्र है सूरदास और ये है खंजन नयन जो कि खंजन नयन से आपको पता ही चल रहा होगा सूरदास जो कि जन्मांध थे तो उनके विषय में उनके ऊपर ये लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा खंजन नयन सूरदास ठीक है इसके पात्र हैं अगला हमारा है शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जैनेन्द्र कुमार यशपाल या अमृतलाल नागर तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं ठीक है सतरंज के मोहरे अगला हमारा प्रश्न है नंबर ट्वेंटी सिक्स मृणाल किस उपन्यास की पात्र है तो मुक्तिबोध त्यागपत्र परख या कल्याणी तो बताइए किस उपन्यास की हो सकती है मृणाल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मृणाल जो है त्यागपत्र की नायिका है ठीक है अगला हमारा प्रश्न है चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और महत्वपूर्ण पात्र भी हैं तो चंदर और सुधा की जो प्रेम कहानी है वो आपको देखने को मिलेगी आ, बिल्कुल गुनाहों का देवता ऑप्शन सी जो गुनाहों का देवता है चंद्र और सुधा की प्रेम कहानी इसमें देखने को मिलेगी ठीक है और किसने लिखा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ठीक है सूरज का सातवां घोड़ा अगला है हमारा नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन है कुमाऊँ अंचल में प्रवासी पुरुष और Uh, उनकी पत्नी के का प्रेम चित्रण किस कहानी में किया गया है तीसरी कसम अर्धांगिनी एक बार और या वापसी तो नंबर ट्वेंटी एट में बी ऑप्शन है अर्धांगिनी एक कहानी है कुमाऊं अंचल में जो शैलेश uh, मटियानी है ना हमारे कुमाऊं अंचल के लेखक हैं uh, हिंदी साहित्य के काफ़ी फेमस लेखक माने जाते हैं तो शैलेश मटियानी के द्वारा एक कहानी uh, लिखी गई थी अर्धांगिनी तो जिसमें जो है प्रवास जो कुमाऊं से प्रवास कर चुके हैं और उनकी पत्नी और उनकी प्रेम कहानी इसमें चित्रित की गई है ठीक है अगला प्रश्न है हमारा आ, किस कहानी में औद्योगिक परिवेश अदम्य विद्रोही चेतना को दर्शाई दर्शाया गया है औद्योगिक परिवेश और अदम्य विद्रोही चेतना को किस आ, आ, कहानी में दर्शाया गया है दाजू मृत्यु बदबू या तरु का निर्णय तो बिल्कुल बदबू जो कहानी है शेखर जोशी के द्वारा ये लिखी गई है और इस कहानी में औद्योगिक परिवेश और अदम्य विद्रोही चेतना आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगला प्रश्न है एक पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्मीयता की खोज एवं मध्य वर्गीय संवेदनहीनता का अंकन किस कहानी में किया गया है बदबू दाजू दो दुखों का एक सुख या उस्ताद तो नंबर uh, थर्टी हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन बी दाजू जो कि शेखर जोशी की ही कहानी है तो इसमें जो है इस प्रकार की एक बाल श्रमिक की uh, आत्मीयता एवं मध्यवर्गीय जो संवेदनहीन वर्ग हो चुका है उसका इसमें चित्रण किया गया है ठीक है नंबर थर्टी वन क्वेश्चन है पागल कुत्तों का मसीहा किसकी कहानी है रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कमलेश्वर या हरिशंकर परसाई तो पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है अगला हमारा प्रश्न है इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है कमलेश्वर राजेंद्र यादव ज्ञान रंजन या मोहन राकेश तो जो नई कहानी है उसमें नई कहानी आंदोलन से जो है ज्ञान रंजन आ, नहीं इसमें आते हैं ठीक है ये बाकी सभी उसी में आते हैं इसके पश्चात अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है नील देवी रक्षाबंधन सिंदूर की होली या सागर विजय तो नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन का आंसर है रक्षाबंधन जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत छंड चंद चं, चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है तो छेमेश्वर जो है उन्होंने एक चंड कौशिक नाम से एक नाटक लिखा था तो उस पर कौन सा नाटक है भारत हरिश्चंद का तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा जो सत्य हरिश्चंद है ये क्वेश्चन पहले भी कभी पूछा गया है तो चंद कौशिक पर आधारित है सत्य हरिश्चंद ठीक है इसके बाद नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है महत्वपूर्ण प्रश्न है नंबर थर्टी फाइव में जो है ऑप्शन ए सीधे मैं आपको आंसर बता देती हूँ आठवां सर्ग जो है आपने अपना आंसर लगा ही दिया होगा आठवां सर्ग में इस प्रकार का आ, जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग उसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है इसके बाद अगला प्रश्न है लीलाधर जगूड़ी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है शंखमुखी शिखरों पर अनुभव के आकाश में चांद जितने लोग उतने प्रेम या महाकाव्य के बिना तो देखो व्यास सम्मान आपसे पूछा जा रहा है ठीक है और ये जो कि मिला है उनकी काव्य रचना है जितने लोग उतने प्रेम और कब मिला था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ठीक है आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो जरूर किया कीजिए मैं आपको हमेशा कहती कि जब भी मैं आपको प्रश्न देती हूँ तो उनको आप जग, अगर आपको नहीं आता है तो आप ढूंढ खोज करके ज़रूर उन्हें पता कीजिए क्योंकि हो सकता है कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना चलिए आगे अगला प्रश्न ले, ले लेते हैं थम, आ, हमारा जो थर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन है सुहाग बिंदी किसका प्रमुख नाटक है महत्वपूर्ण प्रश्न है अबोध बंधु बहुगुणा मंगलेश डबराल लीलाधर जगोड़ी या गोविंद वल्लभ पंत तो जो सुहाग बिंदी है पंत के द्वारा ये नाटक लिखा गया है गोविंद वल्लभ पंत ठीक है झुंड से बिछुड़ा किसका उपन्यास है शैलेश मटियानी विद्यासागर नौटियाल शेखर जोशी या गोविंद वल्लभ पंत तो बिल्कुल बी विद्यासागर नौटियाल के द्वारा ये लिखा गया है ठीक है अगला हमारा प्रश्न है नंबर थर्टी नाइन कुमाऊँ की महादेवी के नाम से जानी जाती हैं तो कौन जानी जाती हैं गौरापंत मृणाल पांडे महादेवी वर्मा या देवकी मेहरा तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका हो जाएगा कुमाऊँ की बहुत काफ़ी जानी मानी लेखिका हैं देवकी श्रीमती देवकी मेहरा तो इनका जो है इनको कमाऊ कुमाऊं की महादेवी भी कहा जाता है ठीक है उत्तराखंड की संत परंपरा किसकी प्रमुख रचना है तोता कृष्ण गैरोला गिरिराज शाह मंगलेश डबराल या पीतम्बर दत्त बड़तवाल तो बिल्कुल गिरिराज शाह इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने ये लिखा है ठीक है बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है नंबर फोर्टी वन पद्म सिंह शर्मा श्रीराम शर्मा राम कुमार वर्मा या बालमुकुंद गुप्त तो नंबर फोर्टी वन में बिल्कुल सही जो बी है वो श्री राम शर्मा सही आंसर इसका हो जाएगा बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा राह बीती यात्रा वृत्ान्त के लेखक हैं तो राह बीती किसका है डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यान यशपाल या सेठ गोविंद दास तो बिल्कुल फोर्टी टू का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यशपाल राह बीती यशपाल का यात्रा वृत्तांत है मोटर गाड़ी किस प्रकार का शब्द है बताइए किस प्रकार का है क्या वो देशज है विदेशज है शंकर शब्द है या अंग्रेजी शब्द है तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो मोटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक है देखो दो भाषाओं के शब्दों से जब कोई शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब कोई शब्द बनता है तो उसे हम हमेशा रखते हैं शंकर शब्द की श्रेणी में और ये जो मोटर गाड़ी शब्द है इसमें मैंने बताया मोटर जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो देशज शब्द है ठीक है यानी कि देश के ही किसी भाषा का शब्द है जैसे हम देशा शब्द के अंदर रखते हैं तो आ, मोटर गाड़ी जो आपका सही आंसर हो जाएगा शंकर शब्द ठीक है इस प्रकार के प्रश्न आपसे काफ़ी पूछे जाएंगे इस प्रकार से इनको भी ध्यान रखें आ, नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले साहित्यकार थे श्याम सुंदर दास रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कौन थे आप अपना आंसर ज़रूर लगाइए श्याम सुंदर दास जी ने जो है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया था ठीक है और अगर हाँ इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है नंबर फोर्टी फाइव रामचरित मानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य मानने वाले विद्वान हैं कौन है जल्दी बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास तो लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य आ, जो है रामचरित मानस को मानने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठीक है फोर्टी में बी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्टी कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों आ, सूफियों का प्रेम तत्व है यह विचार किसका है रामचंद्र शुक्ल का राहुल सांकृत्यान का हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का तो नंबर फोर्टी सिक्स में सी ऑप्शन सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया था ठीक है उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखने वाले रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद अंबिका व्यास चौधरी प्रेमघन या राधा कृष्ण दास तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भारतेंद्र हरिश्चंद जो थे उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे ठीक है और एक और चीज़ है यहाँ पे जो प्रेमघन थे चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन वो अभ्र उपनाम से लिखते थे ठीक है अभ्र उपनाम से लिखते थे ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है किस किस कवि को यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है किस कवि को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह भवानी प्रसाद मिश्र मुक्ति बोध या रामधारी सिंह दिनकर तो नंबर फोर्टी एट में सी ऑप्शन है मुक्ति बोध को भयानक कवियों का कवि या भयानक खबरों का कवि भी कहा जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला हमारा प्रश्न है जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ बताने वाली कविता आत्मजयी के लेखक हैं बहुत महत्वपूर्ण तो प्रश्न है तो आत्मजयी जो कविता थी वो कुंवर नारायण के द्वारा आ, लिखी गई थी ठीक है ऑप्शन फोर्टी नाइन में जो है डी सही हो जाएगा कुंवर नारायण जो कि कठो के यम नचकेता संवाद पर आधारित है आत्मजयी ठीक है और जीवन और मृत्यु का इसमें प्रश्न उठाया गया है ठीक अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है आज के सेशन का नए युग में शत्रु किस कवि की काव्य रचना है लीलाधर जगूड़ी राजकमल चौधरी मंगलेश डबराल या दुष्यंत कुमार तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है मंगलेश डबराल ने ये काव्य रचना है मंगलेश डबराल के नए युग में शत्रु तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पचास प्रश्न उम्मीद है आप लोगों ने अपने आंसर्स लगाए होंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पचास में से कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताइएगा और कैसा आपको ये सेशन लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आपके कमेंट से मुझे फीडबैक मिले और मैं अगला कंटेंट आपके लिए और अच्छा लेके आऊँ और जल्दी लेके आऊँ और ऐसे में पूरी कोशिश करूँगी अपना बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ और अपना आ, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करती हूँ तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे मोटिवेशन मिलता रहे और मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक शेयर जर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें अपना और अपनों का ध्यान रखें नमस्कार